हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रैवल कैफे। दोस्तों, आज हम सोया पनीर चिली बनाने वाले हैं। ये देखिए काफी यमी बना है और टेस्ट में भी काफी आपको अच्छा लगेगा। इस मॉनसून में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोया पनीर चिली बनाने की रेसिपी। मैं सोया और पनीर दोनों का बनाने जा रही हूं, तो उसके लिए मैंने एक कटोरी सोयाबीन लिया है, ये जो चंक्स आते हैं वो, और मैंने पनीर को क्यूब्स में काट लिया है। उसके साथ लगभग आधा कटोरी मैदा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक पहले हम ये सोया को डाल देते हैं इसमें, एक पैन में, और इसमें पानी, और थोड़ा नमक। ये हमारा लगभग 6-7 मिनट तक थोड़ा सा इसके साथ मिल जाए, गर्म हो जाए, तब तक हम रेडी कर लेते हैं ये मैदा। और इसमें थोड़ा सा नमक और उसके साथ थोड़ा पानी। मुझे हल्का, बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है, मुझे हल्का इसमें इसको लिक्विड टाइप का बनाना है। इसमें थोड़ा और पानी मैं ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाए। ज्यादा थिक है तो इसमें और भी पानी डाल लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ पनीर का या फिर सिर्फ सोया का भी बना सकते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है। प्रोसेस सेम होगा, लेकिन क्योंकि मैं पूरे लंच के लिए बना रही हूँ तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि हम जो ये पनीर यदि इसमें हम डिप करेंगे तो वो इसमें कोटिंग अच्छे से आ जाए। ज्यादा आपको पतला और थिक भी नहीं करना है, हल्का, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। ये हमारा हो चुका है और अब हम देखते हैं, हमने ये जो रेडी किया हुआ था सोयाबीन भी हमारा लगभग 6 मिनट तक ये पक चुका है। हम इसे ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसे अच्छे से धोकर, इसे अच्छे से हाथों से प्रेस करके इसके पानी को पूरे अच्छे से गार लेंगे। ये कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो रहा है। तेल आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं। अब ये सोया मैं इसमें डिप करूंगी और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसे आपको हाई फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये आपको हल्का लाल होने तक इसी तरह भूनना है। ये अच्छे से जब फ्राई हो जाना चाहिए,
इसी तरह हम बाकी जो सोया हमारा है उसे भी फ्राई कर लेंगे। मैं पहले सोया कर दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग पनीर को फ्राई करेंगे। ये सोया हमने फ्राई कर लिया है, अब हम उसी तरह पनीर भी फ्राई करेंगे। सबको हाई फ्लेम पर ही करना है आपको, ताकि ये एक साथ चिपकेगा नहीं। ये पनीर भी हमारा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा ये सोया और पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने ये टमाटर लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो इसके बदले टोमेटो सॉस का भी यूज कर सकते हैं। और ये प्याज मैंने इस तरह से काट लिए हैं, तीन प्याज है लगभग। और ये दो कैप्सिकम, इसे भी मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है। ये लहसुन को ऐसे काट लिया आधा आधा करके बीच से। और ये हमारा जिंजर, इसे भी इस तरह से छोटा छोटा काट ले। और ये पाँच छः हरी मिर्च। तो चलिए हम और थोड़ा सा हमने साथ में ये सोया सॉस, सेजवान सॉस, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पैन में एक तेल गरम हो रहा है, इसमें हम डालेंगे ये जिंजर, जिंजर गार्लिक जो हमने रखा हुआ है, ये दोनों को एक साथ डाल देंगे। और उसके साथ ये टमाटर, टमाटर यदि आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपने टोमेटो सॉस का यूज किया है, तो आप डायरेक्ट इसमें कैप्सिकम और प्याज को भून सकते हैं और बाद में हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। तो मैं क्योंकि ये टमाटर का यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसे पहले डाला है। इसे पहले डालकर हम थोड़ा सा इसे टमाटर को अच्छे से इसकी प्यूरी होने तक पका लेंगे। इसमें थोड़ा नमक, ये टमाटर हमारा लगभग पक चुका है, अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। हमें ये प्याज और जो भी हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं वो हमें ज़्यादा नहीं पकाने, हल्का टॉस ही करना है। और इसके साथ इसको थोड़ा सा चलाकर इसी में हम डाल देंगे कैप्सिकम। और इसके ऊपर ये ग्रीन चिली, सोया सॉस, ये सेजवान सॉस, अच्छे
से मिक्स कर लें और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लेकिन नमक हमारा थोड़ा कम होगा सब्जी की वजह से। हमारा ये दो चार मिनट तक थोड़ा पक जाए, अच्छे से ये थोड़ा मिल जाए सारे सॉस जिसमें जो भी हमने डाले हैं इसमें। आपने यदि टमाटर का यूज नहीं किया है तो आप इसी, जैसे हमने सब सारा सॉस डाला तो आप सब्जी भूनने के बाद आप इसी तरह से इसमें टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा ये थोड़ा पक चुका है, अब हम इसमें ये पनीर और सोया को, आप चाहें तो इसमें विनेगर का यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें लेमन जूस को यूज किया है, वो काफी नेचुरल टेस्ट होगा इसका और आपको खाने में भी हल्का खट्टापन आएगा। इसके साथ ओरिगैनो, टेस्ट को और एनहांस करना है तो थोड़ा सा ओरिगैनो भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये सोया पनीर चिली रेडी है। आप इसे इस मानसून में एंजॉय करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही आपको कौन सी रेसिपी खाने की इच्छा है वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनबॉक्स करें। बाय बाय।